गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अवश्य कम कर माइक से छोड़ जा साले गुड मॉर्निंग अजून कमी कर आवाज ठीक आहेत ना नाही रे कमी झाला नाही हॅलो 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 सकाळची वेळ बाजूला आवाज नको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो सबको आवाज आ रही है ऑडिओ अच्छा एकदम परफेक्ट है गुड जो बच्चे ऑनलाइन लाइव में देख रहे हैं एक बार फटाफट बता दीजिए ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या यस बेटा जी सबको आवाज आ रही है यस क्या बात है बहुत शानदार बहुत शानदार चलो तो शुरू करते हैं यस तो वेलकम टू द सीएस एग्जीक्यूटिव सीएस एग्जीक्यूटिव के फेस टू फेस बैच में और ऑनलाइन लाइव के बैच में आप सबका बेटा स्वागत है। तो यार जो बच्चे बेटा अभी ऑनलाइन लाइव मुझे देख पा रहे मैं बताना चाहूंगा मेरे सामने कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे एकदम ओके कि जो बहुत लकी बच्चे हैं कि अभी यहां पे उनको पुणे में आने का मौका मिला है फिश टॉस आने का मौका मिला है। बाकी बच्चे नाराज नहीं होने का है टेंशन मत लो जब भी मौका मिलेगा आप भी हमको मिलने का जरूर आ सकते हो। तो बच्चों शुरू करते हैं पहले बताओ कैसे लग रहा है आपको एग्जीक्यूटिव में कैसे लग रहा है मस्त लग रहा है एकदम भर लग रहा है एकदम ईटी पास के एकदम बहुत एकदम मजे में लग रहा है एकदम क्या लगता है एग्जीक्यूटिव कैसा है अच्छा रहेगा बुरा रहेगा बहुत टफ रहेगा क्या लगता है टफ रहेगा क्यों सुना दोस्तों सुना बहुत टफ रहता ना ओके बट एक बोलू क्या अभी थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा डराना चाहूंगा मैं आप लोगों को अगर मैं एग्जीक्यूटिव पर बात करूंगा ना एग्जीक्यूटिव में पूरे इंडिया लेवल पे रिजल्ट आता है अराउंड 10-15% सीएस ईटी का रिजल्ट आता है 70% मतलब सीएस ईटी में 100 में से 70 बच्चा पास होता है 30 बच्चा फेल होता है मे बी टेक्निकल इश्यू रहेगा जो भी इश्यू रहेगा बट सीएस एग्जीक्यूटिव में 100 में से 10 से 15 बच्चे पास होते हैं और बाकी बेटा जी बच्चे फेल होते हैं। अब यार आप बोलोगे सर यार इतना कम रिजल्ट होता टफ रहता एग्जीक्यूटिव बिल्कुल नहीं ट्रस्ट मी जब बेटा आप जून का एग्जाम देने जाओगे ना आप लोग अभी आपका बेटा एग्जाम जून में रहेगा यस और नो जब जून में एग्जाम कर जाओगे ना तो आप सेंटर में जो जाओगे आपको पता चलेगा कि यार उसमें 100 में से कम 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो तो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए ट्राई करने के लिए गलती से एक महीना पहले मॉड्यूल खोल लिया बुक्स खोल दिया अरे ट्राई तो कर लेंगे कुछ नहीं पता ऐसे ईटी निकल गया वैसे एग्जीक्यूटिव पता क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में से भगवान को देने के लिए कि नहीं देने के लिए ट्राई करते हैं। तो यार मुझे होता है यार यहां पे कुछ बेटा जी ट्रायल एरर नहीं चलता है तो 30 बच्चा वैसे कंपटीशन से हट जाता है कितना बचता बच्चा 70 बच्चा अगर 70 में से और 20 बच्चे ऐसे होते जो ठीक से पढ़ाई नहीं करते ना प्रॉपर रिविजन करते ना उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलता है या देयर आर मेनी पीपल जिनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यू रहता है गाइडेंस नहीं मिलता है बचते कितने बेटा जी 50 बच्चे अब यार 50 जो बच्चे बचते अब 50 में से अगर 20 बच्चे अगर पास हो रहे मतलब मान चलिए ऑलमोस्ट कितना बच्चा रिजल्ट है 40% रिजल्ट है इज इट दैट टफ समझ में आ रहा बेटा जी आपको मतलब देखो आपको बेटा 100 में से 20 मत देखना आपको देखना क्या 50 में से 20 है मतलब इफेक्टिवली जो 50 बच्चे होते वो तो कॉम्पिटिशन में थे ही नहीं बट कॉम्पिटिशन थे कितने 50 थे उस 50 में से 20 बच्चे पास हो रहे अब यार उसमें से भी 30 क्यों फेल और इसके अलग अलग वजह आपको पता ही है क्लास के टाइम पे सिंसियर नहीं रहते कभी पढ़ाई करेंगे कभी नहीं पढ़ाई करेंगे पूरा सिलेबस प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे थोड़ा वैसे इश्यू रहते लेकिन हम सब पे अगर बेटा काम करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बेटा जी जो 20 बच्चे पास होते उस पे आ सकते हो। यार सर ठीक है सर अगर सर रिजल्ट टफ आता है तो क्या सर हमारे लिए पासिंग कोई गुंजाइश बनती क्या डेफिनेटली बनती बेटा जी। देखिए यार बेटा सीएस एग्जीक्यूटिव में अभी आप लोगों ने बेटा अभी एंटर किया यस अभी ईटी क्लियर किया अब एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आप सबको लग रहा होगा यार सर मतलब यार आप मॉड्यूल 2 क्यों स्टार्ट कर रहे हो तेरे मेनी पीपल जिनको पता होगा राइट ना बट देयर मेनी पीपल राइट ना जो बेटा अभी क्यूरियस होंगे सर जरा ये तो बताइए आपने सर मॉड्यूल 2 क्यों स्टार्ट कर रहे हो व्हाई नॉट मॉड्यूल 1
देखिए छोटा सा बेटा सिंपल रीजन बता रहा हूँ। देखिए यार पढ़ाने के लिए बेटा यार इंस्पायर के पास मॉडल वन की टीम भी है, मॉडल टू की भी टीम है, राइट ना। अगर मैं इसमें बात करूंगा तो शुभम सर की बात करूंगा, मयूर सर की बात करूंगा, शुभम सर मयूर सर ये तो मॉडल वन को भी पढ़ाते या मॉडल टू को पढ़ाते। ऐसे नहीं कि शुभम सर कंपनी पढ़ के नहीं है करके। अब शुभम सर बोलोगे, अभी आप बोलोगे सर मुझे मॉडल कंपनी पढ़ाओ, पढ़ा देंगे यार। मयूर सर को बोलोगे सर मुझे सेटिंग अप पढ़ना है, पढ़ा देंगे। समझा बेटा जी। बट सर व्हाई मॉडल टू? बेटा एक बता रहा हूं यार, पिछले बहुत सालों से मैं सीए सीएस सीएमए को पढ़ा रहा हूं, राइट ना। एक इस एक्सपीरियंस हमने एक ट्रस्टेड फॉर्मूला हमने शुरू किया, राइट ना, जो पिछले मतलब लास्ट नवंबर 20 में जब ईटी का रिजल्ट आया था उस टाइम पे उसको हमने इंप्लीमेंट किया एंड वी गॉट ट्रिमेंडस सक्सेस। और उसके ऊपर बेटा जो हम इस बार भी वो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं यार, एग्जीक्यूटिव में जो दो मॉड्यूल है उसमें से मॉड्यूल टू में तो आपके दो एमसीक्यू सब्जेक्ट है, मुझे क्वाइट स्कोरिंग। और बेटा रिजल्ट के स्कोरिंग मतलब से कितना स्कोर हो सकता है बेटा, अगर मैं बात करूंगा इस बार जो आपने जो दो सब्जेक्ट एमसीक्यू सीएमए और एफएम उसमें जो सीएमए, सीएमए मतलब कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो बेटा सीएमए में, सीएमए में आपने जो बच्ची थी अपने क्लास की उसका स्कोर आया था 95 मार्क, सुम 95 विच इज ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर। आप बेटा मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जा सकते हो बेटा जी, इवन तो इंस्पायर का सोशल जा सकते हो बेटा जी, आपको दिखाई देगा उनका हमने इंटरव्यू भी लिया बेटा जब देख सकते हो। तो इट इज ए 95 मार्क का बेटा स्कोर है, मतलब इवन तो ऑल इंडिया रैंक वन का उनका जितना स्कोर है इस सब्जेक्ट में उससे भी ज्यादा उनका स्कोर है इसी सब्जेक्ट में सीएमए में। सो इट इज ए मतलब पूरे इंडिया का बेटा हाईएस्ट स्कोर है, राइट ना। तो यार अगर इतना हाई स्कोर होता है मतलब 95 छोड़ दो, मैंने अपने बेटा क्लासेस में ऑलमोस्ट ना इतने सारे बेटा बच्चों ने 60 प्लस स्कोर किया बेटा एग्जीक्यूटिव में 60 प्लस इज कॉल्ड एज एग्जम्पशन। आपको पता है एग्जम्पशन क्या होता है? पता आपको कितनों को एग्जम्पशन वर्ड पता है क्या होता है? बेटा एग्जम्पशन क्या होता है? वो सभी फिर से देना नहीं पड़ेगा, मतलब कब? एग्जाम पास होने के बाद या फेल होने के बाद? फेलने के बाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा जी। चलो तो बेटा जिनको नहीं पता एक बार बताना चाहूंगा व्हाट इज एग्जम्पशन कांसेप्ट, राइट ना। मान लो बेटा जी आप एग्जीक्यूटिव में कोई भी ग्रुप दे रहे हो, राइट ना, कोई भी ग्रुप दे रहे हो, 400 मार्क का ग्रुप है, पासिंग कितने का है बेटा? सब्जेक्ट वाइज पासिंग 40 का है बेटा। हर बेटा सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क लेके आना है, हर बेटा सब्जेक्ट में 40 मार्क लेके आना है और पूरे ग्रुप में मिला के आपको 200 लेके आना है, कितना 50% लेके आना है। चार पेपर है, सीएमए FM, Secure Law, EBCL, CMA में 40 आ गए, FM में 40 आ गए, EBCL में 40 आ गए और Secure Law में 40 आ गए, सब में इंडिविजुअल पास हो। बट क्या पे एग्रीगेट निकला क्या? टोटल कितना मांगता था? 200। अब सम कितना? 160 हो रहा है, टोटल 200 मांगता था। क्लियर हो गया बेटा जी? आप नहीं क्लियर हो तो फिर मान चलिए अगर यहां पे आप अगर आप एग्जीक्यूटिव में क्लियर, यहां पे क्लियर एग्जीक्यूटिव नहीं बनता बेटा, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर 40 के नीचे स्कोर गया, टोटल आपका 200 के ऊपर है बट एक बेटा सब्जेक्ट में भी अगर 40 के नीचे स्कोर गया आपका ग्रुप रह गया, आपको अगेन वो ग्रुप वापस देना पड़ेगा। डेंजर बात है ना, बिकॉज ऑफ वन सब्जेक्ट पूरा ग्रुप देना पड़ेगा। लेकिन बेटा इंस्टीट्यूट में इसमें एक राहत की बात दी है जिसको बोलते एग्जम्पशन बोलते, मतलब मान चलिए अब मॉड्यूल टू ट्राई कर रहे हो और मॉड्यूल टू सपोज बिकॉज मतलब ऐसा होगा नहीं, टेंशन मत लो यार, हम लोग इसके लिए बैठे हैं, आपको पास कराने के लिए बैठे, राइट ना। बट बिकॉज ऑफ सम कुछ भी होता है एग्जाम के पहले जा रहे होते ऐसा आपको चक्कर आके गिर के पेपर में जाइच नहीं पाए, मतलब जाना तो पड़ेगा, अटेंडेंस देना पड़ेगा, राइट ना। लेकिन बेटा अगर वो कुछ पेपर गड़बड़ होगी बेटा, समझा क्या? तो अगर आपका किसी भी एक सब्जेक्ट में स्कोर आपका 60 प्लस आ जाता है, अगर किसी सब्जेक्ट में आपका स्कोर 40 के नीचे आता है या आपका एग्रीगेट 200 का नहीं बन पाता है, तो अगली बार आपको जिस सब्जेक्ट में 60 प्लस आता है उस सब्जेक्ट से एग्जम्पशन मिलेगा, वो छोड़ के बाकी आपको देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एग्जम्पशन। मतलब क्या आता है? आपको सब्जेक्ट से आपको एग्जम्प्ट किया जाता है, वो सब्जेक्ट आपको देने की जरूरत नहीं बेटा जी। ये बेनिफिट कब मिलेगा? अगर 60 प्लस लाओगे। और 60 प्लस कब ला सकते हो? जब आपके सब्जेक्ट स्कोरिंग होंगे। स्कोरिंग मतलब क्या होंगे? एमसीक्यू सब्जेक्ट होंगे। समझा बेटा जी? आपने इतिहास गवाए या थ्योरी सब्जेक्ट में 80-90 प्लस बहुत कम आते, आते नहीं ऐसे नहीं आते, बहुत ही बेटा बहुत भारी बच्चा रहेगा ना भाई, पता कुछ तो एकदम बहुत बढ़िया खा पी के गया होगा, राइट ना। तो यार मतलब वो बहुत अलग ही टैलेंट रहता है बेटा, आते और अपने बच्चे लाते, लिटरली बोले अपने बेटा
इंस्पायर में बट थ्योरी से बच्चों ने 89-90 भी स्कोर किया, थ्योरी में स्कोर किया है, राइट ना, होता है यार, मतलब इट इज पॉसिबल, बट हर बच्चे के बस की बड़ा बात नहीं होती है, राइट ना। बहुत बार क्या आता है बच्चों, 3 घंटे में 100 नंबर का लिखने को टाइम नहीं मिलता है। मुझे अरे पिछले 2 साल से अपने को लिखने की आदत है क्या? ईटी में क्या क्या आता, बस ओनली कैल्सियम कैलकुलेशन कर रहे थे या फिर टिक मार कर रहे थे अपन लोग, यस और नो? 12वीं की एग्जाम बहुत बच्चों ने दी होगी नहीं होगी पता नहीं है। तो अपने को 1.5 साल से पेन नाम की चीज नहीं पता है, कैलकुलेशन तो वैसे अपन रफली कर रहे थे, बहुत से बच्चे तो मोबाइल पे लैपटॉप पे कर रहे थे, यस और नो? तो यार लेकिन यहां पे आपको बड़ा कहीं नहीं कि आपको लिखना पड़ेगा। तो हम चाहते कि आपको ऐसे ग्रुप में पहले इंट्रोड्यूस किया जाए जहां पे कम से कम लिखना पड़े, सो दैट आपका जो आपका लिखने का जो स्पीड कम है उस वजह से एग्जाम में कोई तकलीफ ना आए। दैट्स व्हाई मॉड्यूल 2 बेटा हमने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया, राइट ना। तो बच्चों तो क्या सर मॉड्यूल 2 पास करना इजी है? यस सर, मैं गारंटी बच्चों दे रहा हूं। आज बेटा आपका बैच का फर्स्ट डे सीएम और एफएम में बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका सीएम और एफएम में 60+ श्योर लेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि बच्चों जब भी मैं सीएमएम पढ़ाता हूं, आई नेवर टीच फॉर 60+ और 40+, आई ऑलवेज टीच फॉर 70+। हमारा एक ही एम होता है, अपने उस सीएम में 70+ लेकर आना है। जब आप 70+ के ट्राई करोगे तो अगर आपका बैड लक भी रहा तो भी आप 65-68 तो लेके चाहोगे। अगर बेटा 200 मार्क का ग्रुप 2 है उसमें अगर सीएमएफएम में 60-60 का स्कोर भी अगर आ जाता है, 120 भी अगर बेटा आपका बन जाता है, कितना बचता है बाकी? 80 मार्क बचता है। तो बाकी 2 में मिला के 80 नहीं आते क्या यार? तो शुभम समझो इतना भारी पढ़ाते यार, राइट ना, उनसे पढ़ के आराम से मैं क्या होता हूं, 80 तो छोड़ दो यार, आराम से आप 100-120 दोनों मिला के ला ही सकते बेटा जी, राइट ना। तो आपका मॉड्यूल 2 सिक्योर्ड है। जस्ट सोचो आप एग्जीक्यूटिव पहला एग्जाम दे रहे हो, लोग जस्ट बाउंड्री पे पास हो रहे, लोग फेल हो रहे, और तुम लोग एग्जामिनेशन के साथ में 240 250 280 मार्क पे बेटा पास हो रहे हो, तो इससे कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा? या सुनो बेटा जी, तो बेटा कहीं नहीं कि इसके लिए अपने को शुरू करने का है। यस, तो चलो बेटा जी, इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। ओके, यहां पे ऑनलाइन में संकेत बोल रहे, संस्कार बोल रहे, सर मैं 11 दिसंबर तक पुणे आऊंगा, सर हाउ विल आई मैनेज द क्लास आफ्टर यूट्यूब क्लासेस? बेटा बिल्कुल टेंशन मतलब बेटा जी, बेटा बोलू क्या, फेस टू फेस देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो पुणे के बाहर के बच्चे जो दिसंबर फर्स्ट वीक में पुणे आने वाले हैं, क्योंकि बेटा अभी मेरे सामने मुझे तो मैक्सिमम बच्चे पुणे के बच्चे लग रहे हैं मुझे, यस और नो? पुणे के बाहर के बच्चों को अभी तुरंत आना नहीं होगा, क्योंकि तेरा मेनी पीपल जिनको हॉस्टल ही 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा जी, आपका जो भी छूटेगा उन सबका बेटा आपको बैकअप मिलेगा, कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। अगर कोई बच्चा दिसंबर फर्स्ट वीक में आ रहा या सेकंड वीक में, तो भी तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है? चलिए तो लेट अस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले में मेरे बारे में, ये मैं हूं राज आउटे, राज नाम तो सुना होगा बेटा आपने। ओके, तो मुझे आते आप में से कितने बच्चों ने मुझसे ईटी पढ़ा है? ईटी पढ़ा है, चलो आप ईटी के बैच में थे, क्या बात है, मतलब आपको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूं, वेरी गुड। बाकी लोगों को पता है मैं कैसे पढ़ाता हूं? सुना तो होगा, बहुत खराब पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते, क्या सुना है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्या बात है, मतलब सच्ची तारीफ की, झूठी तारीफ की थी? सच्ची में कह रहे क्या? थैंक यू सो मच, चलो अच्छा लगा। चलो बेटा, मतलब अपने बच्चे अच्छा फीडबैक दे रहे, अच्छा लगा। तो बेटा जी टेंशन मत लो, बस अगले 4 महीने एकदम ट्रस्ट से बैठ जाओ। देखो 2 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा आपको, एक पढ़ाऊंगा सीएमए जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और दूसरा है एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एफएम का हम बाद में बात करेंगे। अगर बच्चों में सीएमए की बात करूंगा, सीएमए इट इज बेसिकली सब्जेक्ट के नाम में लिखा है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नाम में लिखा अकाउंटिंग। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा, साथ में से कोई बच्चा ऐसा होगा कि यार जो बच्चा साइंस साइड का होगा, जिसने कभी अकाउंट कभी नहीं पढ़ा होगा, सर अकाउंट का मुझे डेबिट नहीं पता है, क्रेडिट नहीं पता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता बेटा, मैं आज आपको डे फर्स्ट का अश्योरेंस देना चाहूंगा, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने अकाउंट बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो भी मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा होगा, सर अकाउंट तो पढ़ा है, हम कॉमर्स तो है, लेकिन सर 12th में क्या था, पूरा 12th से लॉकडाउन में निकल गया सर हमारा, मसल नेटफ्लिक्स पे हॉटस्टार पे सर सीरीज देखने में निकल गया, हमने ऐसा टाइम पास पढ़ाई किया था, यस और नो? तो बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो, एक एक कंसेप्ट एकदम दिल से बेटा पढ़ाऊंगा, एकदम जान लगा के पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो बेस परफेक्ट करना ये मेरी जिम्मेदारी है, यस। अब थोड़ा सा यार हम बात करते सब्जेक्ट के बारे में। ओके बच्चों, अपना जो सब्जेक्ट है
कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और सेकंड पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट पार्ट कौन है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इट इज फॉर 60 मार्क एंड सेकंड पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज फॉर 40 मार्क। ओके, बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लो अकाउंट बोल सकते हैं। जो बेटा आपने 11 12 कभी अकाउंट बेटा पढ़ा होगा, इसके फर्स्ट चैप्टर में जो आपको बेटा जर्नल लेजर ये सब पढ़ने का मौका मिलेगा, बाकी और सारे सिलेबस देखेंगे सिलेबस। और सेकंड जो पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये बेसिकली कॉस्टिंग का पार्ट है। इनिशियली ये जो एग्जीक्यूटिव का जो आपका न्यू सिलेबस है उसके पहले हुआ कर रहा था ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल 1 में हुआ कर रहा था कॉस्टिंग और मॉड्यूल 2 में हुआ कर रहा था कंपनी अकाउंट हुआ कर रहा था। ये कंपनी अकाउंट और कॉस्टिंग ये दोनों को मिक्स करके एक सब्जेक्ट बनाया गया जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो 60 मार्क का कौन है? कॉर्पोरेट मतलब अकाउंटिंग, और 40 मार्क का कौन है? मैनेजमेंट मतलब कॉस्टिंग वाला पार्ट है। अब जरा इसके चैप्टर देखते हैं। 60 मार्क के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 12 चैप्टर से जरा देखो है, नाम क्या क्या चैप्टर के, कुछ जाना पहचान लग रहा है चैप्टर? क्या क्या चैप्टर देखा लग रहा है इसमें से? कैश फ्लो देखा है, 12 में देखा है कैश फ्लो। हाँ, और क्या देखा है? डिबेंचर देखा है, शेयर कैपिटल देखा है। क्या बात है, बहुत आता है तुम लोगों को। अकाउंटेंट आता है तेरे को? अरे मुझे नहीं आता वो, मुझे पढ़ना पड़ता है वो। तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता ना, सब ऐसे कुछ चाइनीज में जापानीज में लग रहा होगा ना। ओके, अरे टेंशन मत लो, कुछ नहीं टेंशन मत लो बेटा। इसमें बोलू क्या? अभी देखो 12 चैप्टर से राइट ना, एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पूरा अपना 11वीं 12वीं का जो अकाउंट उसका पूरा बेसिक है। उसमें जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा कभी कंजर्वेटिज्म वगैरह कभी सुना होगा नाम बेटा आपने, वो जितने अक्रूअल कंसेप्ट सुना होगा आपने, कैश बेसिस से सुना होगा, नहीं तो सुना दूंगा नहीं मतलब, ठीक है ना। ये पूरा पूरा बेसिक यहां पे रहेगा। उसके बेटा अलावा इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, यार मुझे बताओ आप बेटा सब बच्चों आप सीएस बनने जा रहे हो, सीएस मतलब क्या होता है? कंपोजिटर बताओ क्या बेटा सीएस का, मुझे बताओ जब तुम सीएस बनोगे तो क्या आप लोग पार्टनरशिप फर्म में काम करोगे या तुम प्रोप्राइटरशिप में काम करोगे या कंपनी में काम करोगे? आपको नाम तो पता क्या रहते हैं? देखो बेटा अगर कोई अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर दो तीन लोग साथ में आके अगर बिजनेस कर रहे उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते। और बच्चों अगर उनसे ज्यादा लोग साथ में आते, अगर हजारों लाखों लोग साथ में आके अगर बिजनेस अगर करते, इट इज कॉल्ड एज कंपनी। ओके बेटा जी, बेसिकली सीएस का काम किस में होता है? कंपनी में होता है। तो सीएस को कंपनी की चीजें मैनेज करनी पड़ती है। और बेटा अगर आपको कंपनी की चीजें मैनेज करनी है आपको, उसके लिए कंपनी में क्या अकाउंटिंग होता पता होना चाहिए। मतलब कंपनी के बुक्स कैसे बनते, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, इन सब का बच्चों नॉलेज होना चाहिए। या सुनो, उसके लिए आपको क्या दिया है? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे जाने के बाद क्या आपको अकाउंटिंग करना है, यह सब पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये आपका एग्जीक्यूटिव सिलेबस है ना, इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया ना यार, ईटी बस टाइम पास है, सच्ची बता रहा हूं। मतलब ईटी में क्या था, सीएस की झलक भी नहीं थी, एक्चुअल में आपको फील आएगा हम सीएस कर रहे, अरे कुछ तो पढ़ रहे। मतलब हर रोज आना आपको एक एक टॉपिक पढ़ के मजा आ जाएगा, यार अपन ये भी पढ़ने को मिल रहा है क्या, वो पढ़ने को मिल रहा है क्या, एकदम मस्त बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है ना। इसके बाद अलावा क्या है? शेयर कैपिटल है। यार कंपनी बोलेगी तो शेयर तो इश्यू करेगी ना, ऐसा नो यार। आजकल तो बेटा आप लोग देखते होंगे आईपीओ क्या देखते होंगे, ये कंपनी के शेयर आते हैं, ये कंपनी शेयर आते हैं। कल ही देखा होगा बेटा आपने शेयर मार्केट गिर गया था ना, हाँ क्या बेटा जी? तो ये सारी बात आपको पता चलेगी, ये एक्चुअल में रियल में होता है क्या, ये कैसे फंक्शनिंग करता है राइट ना। तो इन सबका रियल लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, मतलब बुकिश नॉलेज को रियल लाइफ से कैसे कंपेयर करना चाहिए। बेटा हम लोग सिर्फ बच्चों देखो, हम बुकिश वे से नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा ये हर चीज का प्रैक्टिकल यहां पर कहां का इंपैक्ट हुआ था। जब बच्चों यहां पर हम लोग बायबैक टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि पिछले 2 साल में कौन सी कंपनी ने शेयर बायबैक किए थे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा शेयर का रिडक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कौन सी कंपनी अपने शेयर का रिडक्शन किया था, उसे मार्केट क्या इंपैक्ट पड़ा था। जब आप प्रैक्टिकल वर्ड से जब जुड़ोगे ना तो बहुत अलग ही मजा आएगा बेटा जी। तो ये है अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके,
तो बाकी यार टॉपिक अभी बताऊंगा तो समझेगा नहीं, टेंशन मत लो, मैं सिलेबस से पूरा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद में यार नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉस्टिंग वाला ऑपरेशन। जब बेटा अभी आई थिंक शायद से आप लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, शायद से छोटे बच्चे सब लोग, कोई इससे बड़ा है, कोई सेकेंड ईयर में अगर है, आप एसवाई में हो, क्रेशन भी हो गया आपका, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। आप बेटा फोर्थ ईयर में लॉ कर रहे हो, ओके गुड। तो बेटा जी अभी जो बच्चे अगर बीकॉम कर रहे हो, कोई बच्चे बीकॉम कर रहा होगा ना, तो बीकॉम में सेकेंड ईयर में आपको कॉस्टिंग है, आपको कॉस्टिंग था बेटा, आपको मार्केटिंग ही आता, ठीक है छोड़ पास हो गया ना छोड़ अच्छी बात है। अब जो बच्चे बेटा एफ आई बीकॉम के, जब बेटा सेकेंड ईयर में जाओगे कॉस्टिंग पक्का लेना, क्योंकि बेटा जी अभी आप एक बार कॉस्टिंग अपना हो गया ना आपका, तो सेकेंड ईयर बीकॉम में बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ाई के एस वाई बीकॉम में जाओगे तो भी तुम 90 मार्क लेके आओगे, ट्रस्ट मी। क्या जो एस वाई बीकॉम का जो अकाउंट है उसके ऑलमोस्ट सब टॉपिक आपके यहां पे आपके पार्ट ए में कवर है, एस वाई बीकॉम के, क्योंकि इसमें पार्ट ए में कंसोलिडेशन है, पार्ट ए में फाइनल अकाउंट है, पार्ट ए में डिबेंचर है, पार्ट ए में शेयर कैपिटल है, प्रिफरेंस शेयर है, ये पूरा का पूरा बेटा आपको सेकेंडरी बीकॉम में होता है। और साथ में ये जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है सेकेंडरी बीकॉम में, इसका मतलब सर अगर मेरा बीकॉम हो चुका है तो मैं सेल्फ कर सकती हूं क्या? ना, ये करने के बाद तुम बीकॉम सेल्फ कर सकते हो, बट बीकॉम करने के बाद ये सेल्फ नहीं होता, क्योंकि भाई साहब ये सीएस का लेवल है, तो बीकॉम के लेवल में और सीएस में जमीन आसमान का बेटा फर्क है, तो हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है। तो सेकंड बच्चों पार्ट है मैन अकाउंटिंग, इस पे हमें बेसिकली पढ़ना है कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड क्या होता है, किसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। जैसे बच्चों देखो टाटा कंपनी पता होगी बेटा जी आपको, या सुनो, अब यार टाटा कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, जो बेटा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने खर्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। देखो यार इंफोसिस एक आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है, बट टाटा ये बेटा कौन है, ये बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है। क्या बात करें सर, हाँ ऐसा होता है। अभी क्यों होता है, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है, ये कौन करता है, कैसे करता है, ये सारी बातें बेटा आपको यहां पे पढ़ने को मिलेगी। ये सब कुछ इसके बेटा अलावा बहुत प्यारे प्यारे कुछ टॉपिक है बेटा जी, रेशियो एनालिसिस, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये सारी बातें आपको यहां पे पढ़ने को मिलेगी। भयंकर बेटा मजा आएगा, भयंकर मजा आएगा आपको, ठीक है। यस, तो ये था पार्ट बी के बारे में। अब यार मेन मुद्दे पे आते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको दो बातें बताई। सबसे पहले क्या बताया, एग्जीक्यूटिव टर्फ है ऐसे लोग बोलते हैं, अपन नहीं बोलेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव टर्फ है ऐसे लोग बोलते हैं, राइट ना। लेकिन हम लोग क्या बोले, एग्जीक्यूटिव एकदम इजी है, अपने को यार यहां पे हीरो बनना है इसमें। भले बेटा अभी आप कितना जीरो पे होंगे, आपको भले कुछ नहीं भी आता होगा और आता भी होगा, मैं ये बोलूंगा अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो। आप समझो कि पहले जो पढ़ाना सब कुछ पता है क्या, गलत पढ़ा था आपने, पूरा जीरो से अपन एकदम फ्रेश होकर पढ़ेंगे। अब ये जीरो से बच्चों हीरो बनना है, आप बेटा सबका बच्चों उम्मीद होगा कि यार सर हमको ना सर हम एग्जीक्यूटिव अच्छा स्कोर करना है, एग्जामिनेशन लेके आना है, कोई बच्चों को रैंक का भी उम्मीद होगा, रैंक भी लेके आना होगा। ऐसा ना अगर कोई बच्चा दो ग्रुप का प्लान कर रहा होगा अभी जून में, अभी डिसंबर में, दे माइट बी थिंकिंग अबाउट रैंक ऑल्सो, तो सर ये सब कब पॉसिबल है। बट देखो बच्चों, रैंकर बोलो या टॉपर बोलो कुछ अलग नहीं करते, सबसे पहली बात एक करते रेगुलर अटेंडेंस। देखो यार जो बच्चा बेटा पे फेस टू फेस में आ रहा है, फेस टू बच्चे हमको शक्ल पता चलती है, उनका नाम पता चलते हैं, अगर कोई बच्चा अगर लेक्चर अटेंड नहीं करता है तो उसको नेक्स्ट डे पता ऐसे लटका देते हैं हम इधर ऊपर, हाँ ऐसे लटका देते बेटा, ठीक है ना। लेकिन जो ऑनलाइन लेवल नालायक लोग है, राइट ना, आपको भी लेक्चर लाइव में देखना है, हमारा आपके ऊपर भी वॉच रहेगा, हमारे एप्लीकेशन प्रॉपर, आप कब लॉग इन करते हो, कब लॉग आउट करते हो, कितने बजे लॉग इन किया, कितने लॉग आउट किया, ये सारा बेटा हमारे पास आता है चीजें। देखो यार सिंपल बता रहा हूं, इसके जरिए बेटा हमारा पर्पज ये नहीं कि हमें आपको वॉच रखना आपके ऊपर। देखो यार अब ऐसे बड़े बच्चे बन चुके हो, आप में कुछ बच्चे बेटा अभी 18 प्लस भी होंगे, मेजर होंगे, हाँ कि नहीं, कुछ छोटे मोटे बच्चे भी हो सकते हैं, अभी छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सब बच्चे मेजर बच्चे, राइट ना। और यार समझना बेटा जी, ये लाइफ के ना बस और 3 साल है, 1 साल एग्जीक्यूटिव का, 1 साल बेटा प्रोफेशनल का, एंड 1.5 साल बेटा आर्टिकलशिप का, और ट्रस्ट मी उसके बाद बेटा आप एक प्रोफेशनल बनने वाले हो यार। बस आज से 3.5 साल के बाद यार बिगिन द प्रोफेशनल मस्त, ऐसा पता है क्या, सूट बूट पहनोगे,
बड़ी सी कंपनी में जाओगे, उसके एक साथ आपकी कार होगी, कार से जाओगे तो बड़े कंपनी में, यार इतना अगर बढ़िया बनना है ना यार, उसके लिए एक ही चीज बेटा जी, एफर्ट लेना पड़ेगा अपने को। और दूसरा बेटा बोलूँ क्या, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके बेटा पेरेंट्स ये क्लास अफोर्ड कर भी नहीं सकते, बट स्टिल उन्होंने बेटा आपको क्लास लगवा के दे रहे, कि उनकी इच्छा है कि उनका बच्चा पास होना चाहिए, पहले टाइम बेटा पास होना चाहिए, इस बेटा उम्मीद से बेटा आपको क्लास लगवा के आपको दे रहे। तो उसके बेटा एक ही काम करना पड़ेगा, आप भले पढ़ाई में कितने होशियार हो या कितने डम हो फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों एग्जीक्यूटिव में पास होने के टैलेंट की नहीं, बस आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट बी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर, तो फर्स्ट चीज रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन कीजिए, सेकंड चीज डेली रिवीजन। देखिए यार, लोग बोलते एग्जीक्यूटिव आपको दिन के 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल नहीं, ये 12 घंटा 16 घंटा कौन पढ़ता है जिसने पहले 4 महीने टाइम पास किया, फिर लास्ट के 2 महीने उसको 16 घंटा पढ़ना पड़ता है, बस आप क्लास के साथ में जो भी क्लास में हो रहा है उसको बस आराम से बेटा जी आप 2 से 2.5 घंटा उसको अच्छे से रिवाइज करो, ट्रस्ट मी गाइस, आपको बाद में बिल्कुल बर्डन नहीं आएगा, बट जो डेली आपको रिवाइज करना है। उसके बाद होमवर्क तो दूंगा नाला के तुम लोगों में, होमवर्क तो मस्त है, क्योंकि बच्चे देखो मैं कभी बेटा जी मैं स्पून फीडिंग पे बिलीव नहीं करता, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि मैंने पढ़ा दिया मैंने सम सॉल्व किया मेरे बच्चे ने कॉपी कर दिया, मैं इस टाइप का टीचर नहीं हूं, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं अगर मैं क्लास में 10 सम सॉल्व कर रहा हूं आप भी 10 सम सॉल्व करो, मैं मेरे सामने सॉल्व करा के लूंगा सम, भले फेस टू फेस में बैठे होंगे या ऑनलाइन लाइन बैठे होंगे, मैं आपके पास से आपके सॉल्यूशन चेक करके लूंगा बेटा, मैं पता है कि यहां पे आपसे पढ़ाई करवा के लूंगा, और जब मैं भी करूंगा पढ़ाई और आप भी जब पढ़ाई करोगे तो पास क्यों नहीं होंगे, तो प्रैक्टिस बेटा मस्त है। नेक्स्ट चीज रेगुलर टेस्ट। देखो बेटा पहले बता रहा हूं, यहां पर CM और FM में हर टॉपिक होने के बाद में आफ्टर एवरी टॉपिक आपका टेस्ट लिया जाएगा कंपलसरी, मतलब समझ चले ये मैं बताऊंगा नहीं, जिस दिन टॉपिक खत्म होगा उसके बाद एक दिन छोड़ के नेक्स्ट से पक्का टेस्ट होगा, बाद में बोलने का नहीं और अचानक से टेस्ट कैसे हो गया, बेटा ये रूल समझ के चलो, रूल समझ चलो, टॉपिक मान लो आज अगर वेंसडे आज बुधवार है आज टॉपिक खत्म हो गया तो फ्राइडे के दिन आपकी टेस्ट होगी, मतलब होगी एक दिन का ब्रेक मिलेगा सेल्फ डी के लिए तो बच्चे इंप्लाइड रहेगा, ऐसे बेटा आपके सेम के 22 चैप्टर है तो 22 चैप्टर के आपके 22 टेस्ट आपके होने वाले हैं और उसके बाद में लास्ट में फुल टेस्ट आपको हो ही जाएगा बेटा जी, तो इतना जब दोगे ना तो डिफेंड हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलना है अपने को, शांत नहीं बैठना है ठीक है ना, नहीं तो पता चला मैं अकेला इधर बकबक कर रहा हूं बाद में बाहर आके बोले ये क्या मास्टर क्या पढ़ाया कुछ झेपा नहीं हमको, ठीक है ना, ऐसे नहीं करने का, कर कुछ भी डाउट आता है कुछ भी नहीं समझ में आता है उसी टाइम पे बेटा आपको पूछना है, जो भी डाउट है उसी वक्त आपको क्लियर करना है, ये बेटा आपको फॉलो करना है आपको, ठीक है। अब सर देखो नेक्स्ट बताना चाहूंगा यार, अभी पढ़ाई तो करना बेटा अपने को, अब सर पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई किसमें से करना है, कौन सी बुक में से पढ़ाई करना है, यह सर सबसे बड़ा सवाल होगा। क्या सर हमें इंस्टीट्यूट का हमें मॉडल रेफर करना है क्या, बेटा बिल्कुल नहीं बेटा जी, देखो यार CM और FM के लिए या फिर बाकी सभी बड़े सब्जेक्ट के लिए आपको बेटा हमारे तरफ से प्रिंटेड बुक्स आपको मिलने वाले हैं। अगर बच्चों में बात करूंगा CMA की तो CMA में आपको मिलेंगे 5 प्रिंटेड बुक्स, मैं दोबारा बता रहा बच्चों, मैं पहले बता रहा हूं जो बच्चे ये आज से जो बैच स्टार्ट हो रहा है जो फ्रेश रिकॉर्डिंग लेंगे उनके लिए 5 बुक्स मिलेंगे, पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये जो अगर कोई पुराना बच्चा लेक्चर देखेगा बाद में झड़ा मत कर नालायक को, क्योंकि प्रीवियस बच्चों को 3 बुक थे CMA के, अभी 5 बुक्स है यार, हर बार कुछ तो नया आता ही रहता है। ओके, जो अपने पहले के जो 3 बुक थे राइट ना वो तो रहेंगे, उस पर थोड़ा मैंने चेंजेस भी कर दिया बेटा जी मैंने राइट ना, उसके बेटा अलावा मतलब जो 3 बुक अपने कैसे होता है पूरा जो 22 चैप्टर है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट में 7 चैप्टर है, एक पार्ट में 7 चैप्टर है और एक पार्ट में 8 चैप्टर है, और हर बुक में मैंने कुछ सेक्शन बनाए। मान लो अपना एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले सेक्शन में होगा उसकी थ्योरी होगी और उसके सारे सारे फॉर्मूला होंगे, सेकंड पार्ट में होगा उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, हम बेटा हर चैप्टर के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ अपना एग्जाम पैटर्न कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव MCQ, नहीं नहीं अपने सब्जेक्ट का MCQ पैटर्न बेटा जी। अब बोलो सर एग्जाम पैटर्न से MCQ में आप डिस्क्रिप्टिव क्यों कराओगे, देखो यार
मेरा इंटेंशन सिर्फ बच्चों आपके एग्जाम में पास करना इंटेंशन नहीं है, मेरा बेटा इंटेंशन आपको एक क्वालिफाइड सीएस बनाना है। यार मुझे बताओ, अगर मान लो आप ऐसे सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के पास भी हो गए, पता चला तुम कंपनी में गए और कंपनी जाने बाद आपको कंपनी की बैलेंस शीट थमाई गई, बोले बैलेंस शीट पढ़ रहे भाई, आप बोलोगे मुझे नहीं पढ़ना आता, मैंने तो एमसीक्यू सॉल्व किया था, कब बड़ी बैलेंस शीट देखी नहीं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेटा, आपने पता होना चाहिए ना बैलेंस शीट क्या होती है, पी अकाउंट क्या होता है, उसको बनाते कैसे, उसको लिखते कैसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते, रेशो के फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते, किसी भी शेयर का वैल्यू कैसे निकालना है, अगर कोई बिजनेस परचेस करना है उस बिजनेस का गुडविल कैसे निकालते, अगर मान लो आपको सामने वाले का बिजनेस परचेस करने का उसके एसेट का वैल्यूएशन कैसे करते, अगर आपको किसी कंपनी का बच्चा अगर कुछ चीज का कॉपीराइट लेना है तो कॉपीराइट कैलकुलेशन कैसे करते, ये सारी बेटा प्रैक्टिकल बातें बेटा पता होनी चाहिए, और ये सब बेटा जो आपको इसके आपको डिस्क्रीट टू का नॉलेज तो आपको होना चाहिए। तो बेटा हम हर चैप्टर में बेटा जी हम डिस्क्रीट टू क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और बाद में बेटा हम क्या पढ़ेंगे एमसीक्यू भी पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेटर है, एमसीक्यू तो मस्त है बेटा जी, यस और नो। और समझ चलना बेटा, मैं आपके पास से हमारे जो तीन वॉल्यूम है ये तीनों वॉल्यूम मिला के मोर देन 2500 एमसीक्यू करा के लूंगा, ऑलमोस्ट 500 प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और 2500 एमसीक्यू, कितने तीन बुक मिला के, और कितने बुक बाकी है, दो बुक बाकी है। ओके, जो चौथा जो बुक है, तीन तो हमने मेन बुक है बेटा जी, अब चौथा जो बुक है जो फोर्थ जो बुक है, फोर्थ बुक में होगा आपका एग्जाम बूस्टर, ये नया बुक में लाया, मतलब अब तक के पांच अटेम्प्ट में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे हर चैप्टर के, वो बेटा चैप्टर वाइज बेटा में क्वेश्चन डिस्कस, चैप्टर खत्म हो गया अपन एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चैप्टर खत्म हो गया एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस, आपको पता चले एग्जाम क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसके बेटा अलावा इसमें बेटा जो एग्जाम बूस्टर है, मैं पास एग्जाम क्वेश्चन तो डिस्कस करूंगा और साथ में बेटा हर चैप्टर का उसमें एक पेपर भी रहेगा, मतलब मैं तो कैसे पेपर लूंगा आज, उसके अलावा अगर मान लो कोई बच्चा सेल्फ रीड कर रहा होगा, अगर किसी बच्चे को अगर बाद में एग्जाम के पहले भी खुद कुछ पेपर देंगे तो आपको प्रॉपर वहां पे चैप्टर्स पेपर मिलेंगे अलोंग विद सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा जी, तो आपके एग्जाम क्वेश्चन तो रहेगा और साथ में आपके लिए 22 पेपर रहेंगे, एक चैप्टर का एक पेपर, ऐसे 22 चैप्टर के 22 पेपर, और साथ में बेटा जी दो फुल सिलेबस के पेपर मिलेंगे, तो 24 पेपर भी इसमें रहेंगे। मतलब रेगुलर क्लास में जो पेपर ले रहे वो तो अलग ही चे, और उसके अलावा ये प्रिंटेड पेपर है, मतलब ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं चेक नहीं करूंगा, आंसर किस में होगा ये आपको एग्जाम के लास्ट के महीने में आपको सॉल्व करना है आपको, क्योंकि यार मुझे सिलेबस होने के बाद में तुम करोगे क्या, घर में खुद कुछ तो करना पड़ेगा, आपका रिवीजन हो गया पेपर सॉल्व करो, रिवीजन हो गया पेपर सॉल्व करो, इससे आपका बड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ये आपका फोर्थ बुक है, ये पूरे बेटा इंडिया में ये बुक कोई देता नहीं बेटा, अपन दे रहे इसमें, ठीक है ना। और पांचवा बुक है चार्ट बुक। अब सर ये बुक की खासियत क्या है, अब जो पांचवा जो चार्ट बुक है ना, ये जो बेटा आपको मिलेगा ना, एकदम बहुत दिल खुश हो जाएगा, क्यों बताऊं, क्योंकि ब्लैंक बुक है, इसके सारे पन्ने ब्लैंक रहेंगे, कुछ भी नहीं इसमें। अब बोलो सर फिर हमको क्यों दे रहे सर, ब्लैंक बुक क्यों दे रहे सर। अब बेटा अब इसके बच्चे पर्पस बता रहा हूं, व्हाई आई एम गिविंग द ब्लैंक बुक। बच्चों एग्जीक्यूटिव में ना जो अपना सब्जेक्ट है सीएम और एफएम सब्जेक्ट है बेटा जी, सीएम और एफएम भले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बट एग्जाम में 100 में से 50 थ्योरी एमसीक्यू आते हैं और 50 बेटा प्रैक्टिकल एमसीक्यू आते हैं, मतलब मोर देन 50 भी नहीं बेटा जी, 50 से ज्यादा थ्योरी आता है, मतलब इवन तो अगर बात करूंगा लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट के बच्चे बात करूंगा तो सीएमए के पेपर में 100 में से 75 थ्योरी क्वेश्चन आए थे और 25 प्रैक्टिकल आए थे। सो प्रैक्टिकल क्यों पढ़ना, फिर सब थ्योरी पढ़ के जाएंगे सर, बेटा प्रैक्टिकल समझे बिना थ्योरी बनती नहीं बेटा, समझा क्या, तो आपको थ्योरी अच्छे से करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है यार, मैं देखा है बच्चों को क्या होता है, प्रैक्टिकल सम करना बहुत ईजी लगता है बट थ्योरी में क्या लैंग्वेज बहुत टफ लगती है, जमता नहीं राइट ना। और बेसिकली बेटा एग्जाम में क्या आता है, बहुत बार मॉड्यूल में से एज इट इज स्टेटमेंट एग्जाम में आता है, तो बच्चों उसके लिए क्या होता है, मैं आई विल टेक द बूस्टर सेशन, मैं आपके क्या लूंगा बेटा जी बूस्टर सेशन, बहुत फेमस बेटा कंसेप्ट है जी इंडिया में, मतलब बोलू क्या जितने बच्चे एग्जीक्यूटिव करते बेटा जी 90% बच्चे अपना बूस्टर लेक्चर देखते देखते रहते बेटा जी, क्यों वो बहुत फेमस बेटा कंसेप्ट बूस्टर बेटा जी देखते रहते। तो यार वो बूस्टर में क्या होता है, मैं आपका मॉड्यूल भी करूंगा, मैं आपको बोलूंगा बच्चों एक काम करते हैं, आपने टॉपिक खत्म हो गया,
चलो पूछते पढ़ना आपने को, मैं टॉपिक का मॉडल निकालने बोलूंगा, मॉडल में से एक एक बड़ा कंसेप्ट में जो मेन मेन कंसेप्ट है सब मैं मार्किंग करा के दूंगा, मेन मेन बच्चों कंसेप्ट बताया मैं उसको डिस्कस करूंगा, और उन सभी बातों को बेटा हम लोग चार्ट फॉर्म में हम चार्ट बुक में ड्रॉ करेंगे। मैं चार्ट बुक हमें क्लास में बनानी है अपने को, ये मैं प्रिंटेड नहीं दूंगा। अब बेटा मेरे साथ में तुम चार्ट बुक में जो थ्योरी के चार्ट जब मेरे साथ में बनाओगे ना, तो मॉडल की सारी थ्योरी बेटा आपके दिल में फिट बैठ जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, एग्जाम के एक दिन पहले, मान लो बेटा कल आपका पेपर है, आप एक दिन पहले कई सारे के सारे 22 चैप्टर पढ़ पाओगे क्या? तो बस एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना पड़ेगा, चार्ट बुक निकालना बच्चों। बस चार्ट बुक में जो चार्ट हमने क्लास में बनाए उसको पढ़ना है। ट्रस्ट मी गाइस, चार्ट बुक पढ़ोगे ना तो 3 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। तो चार्ट बुक का सबसे बच्चों बेनिफिट क्या होगा आपका, एग्जाम के लास्ट डे प्रिपरेशन के लिए। तो लास्ट दिन तक का बच्चों ध्यान रख के हमने सारी बातें डिजाइन की। तो 5 बेटा बुक्स आपको मिलेंगे फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव सीएमए के लिए मिलेंगे। एफएम में क्या मिलेगा मैं आगे से बताऊंगा, ठीक है? चलो ये क्या क्या पढ़ते बच्चों मैंने बता दिया बेटा जी, ओके चलो बाकी ये छोड़ दो इसके लिए। अभी चलो अभी थोड़ा सा पढ़ाई की बातें करते, अभी समझा मैं क्या पकड़ने वाला हूं। आप थोड़ा सिलेबस स्टार्ट करूं, पढ़ने की इच्छा है या थक गए? बाकी ऑनलाइन लाइव वाले पढ़ने का मूड है क्या रे नाले को? वैसे टाइम तो बहुत हो गया यार, अभी 10:20 आज लेट हो गया ना स्टार्ट करने को अपने को आज। चलो बस पहले मुझे होता क्या सुन के जो ऑनलाइन लाइव बच्चे होता ये सुन के अच्छा लग रहा है कि नाले को एक्साइटेड हो क्या आप लोग? आपको लग रहा है कि अभी पास हो सकते हैं, स्कोर बन सकता है पक्का? इतनी पढ़ाई कभी सोची थी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो रहा ना, लेकिन आराम से हल्के से हो जाएगा बेटा जी। और मेन बोलूँ क्या बेटा, यहाँ पे जब तुम क्लास के लिए आ रहे हो ना, ट्रस्ट मी गाइस आपका पासिंग हमारी जिम्मेदारी है, बस तुमको क्लास अटेंड करना है, बाकी तुमको पास का स्कोर कर हम करवा देंगे हम लोग, ओके? चलो बेटा जी, यस यस यस, अरे जरा स्माइल तो करो यार, मुस्कान अशुमति पूर्वी आकांक्षा क्या बात है, स्माइल तो दो रे, रक्षित संस्कार जितने ऑनलाइन के बच्चे मस्त नाले को स्माइल तो करो, वंशिका यस क्या बात है क्या बात है, मुस्कान अभी से आग लगा रही है, वेरी गुड। चलो बेटा और बेटा कॉन्फिडेंस होगा नाले को फटाफट एक लाइक ठोको वीडियो को, नाले के वीडियो को लाइक ठोको, मुझे पता चले कितने बच्चे एकदम एक्साइटेड है पता चलेगा मेरे को। डन डन डन, चलो क्या बात है, शानदार शानदार शानदार, बहुत शानदार बेटा जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत शानदार। चलो तो बेटा जी अगर ये बेटा समझा होगा तो अभी ये बेसिक मैंने बता दिया। नाउ लेट अस मूव टू द आवर मेन सिलेबस जो शुरू करते। सर मेन अभी सिलेबस कैसे होगा अपने, थोड़ा सा बुक्स भी बताता हूं मैं आपको एक बार। ओके अब देखो बच्चों, आज से मैं सबसे पहले बेटा मैंने बताया तुम्हें सिलेबस में 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या था, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, हाँ। पार्ट बी में क्या था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी हम बेटा सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे विद द पार्ट बी। पार्ट बी मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है। और बेटा जी पार्ट बी में हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करने जा रहे जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ द कॉस्ट। बेटा पार्ट बी में हम सबसे पहले टॉपिक क्या शुरू करने जा रहे बेटा जी, ओवरव्यू ऑफ द कॉस्ट। अभी कुछ लिखना मत आज एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाओ ठीक है ना। अरे फोटो निकाल के भेज रहा अविनाश मेरे भाई, किसका फोटो, खुद का फोटो निकाला, स्माइलिंग वाला फोटो, क्या बात है। चलो ओके अब अरे चैप्टर का नाम क्या है, ओके नाम मिश्रिक है ओवरव्यू ऑफ द कॉस्ट। हमें बात करने कॉस्ट के बारे में, यार मुझे होता आपने कभी कॉस्ट नाम कभी सुना है क्या, बोलो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट मतलब प्राइस, यस खर्चा एक्सपेंस, एक्सपेंस कॉस्ट प्राइस ही एक्सपेंस है, क्या है वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज कॉस्ट। अब बेटा बोलू क्या, अभी देखो ये आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा है, इसको ना ये कॉस्ट एक्सपेंस, इसको ना कॉस्ट एक्सपेंस, इसके बाद लॉस एसेट वैल्यू प्राइस, ये सब नाम सेमिश लगते हैं,
क्योंकि बचपन से क्या आपने वही नाम सुनते आ रहे बेटा, समझा क्या? आपने सभी नाम सेम ही लगते हैं, बट क्या सभी नाम सेम है क्या? नहीं बेटा, फर्क है। अब देखो नालायक, अब मैं बताऊंगा व्हाट इज कॉस, प्लीज समझना। अब ये कॉस क्या होता है, ओके बेटा बहुत डेफ में बताऊंगा, प्लीज समझना अच्छे से। आपने अभी क्या बताया, कॉस सीजन एक्सपेंस बोला बेटा आपने, बट अच्छे बेटा याद रखो, कॉस एक्सपेंस नहीं है। फिर क्या है सर? कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर। अभी प्लीज सुन, अच्छे से बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स और टू गिव द सर्विसेज। कॉस्ट क्या बेटा? एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विस। किसी भी गुड्स को बनाने के लिए या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा हम लोग करते, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। कुछ समझा नहीं? समझा बोलो ना। नहीं समझा ना, ठीक है। अब मैं अच्छे से बताता हूं, सुनो बेटा। अब देखो यार, मुझे होता बेटा अभी आप क्लास के लाए हो, हाँ कि बेटा? अभी देखो क्लास के लाए हो, आप में से जो बच्चे बेटा खुद की गाड़ी से बेटा आए होंगे, गाड़ी में पेट्रोल लगा होगा बेटा जी आपको, हाँ कि नहीं बेटा? पेट्रोल का खर्चा आया क्या? ये आपका कॉस्ट है। अब बेटा बाद में बेटा ब्रेक पर नीचे जाओगे, कुछ खाओगे, चाय पियोगे, हाँ कि नहीं बेटा? चाय पीने का और कुछ नहीं पीने का, ठीक है ना? हाँ, ओके ओके बेटा। तो मुझे बताओ कि यहां पर बेटा चाय वगैरह पियोगे, खर्चा बेटा आएगा उसके लिए? या सुनो, वो भी क्या आपका कॉस्ट है। अगर कोई बच्चा अगर बस से आओगा तो बस के लिए टिकट ले आओगे बेटा जी, वो भी आपका क्या है? कॉस्ट है। तो कोई भी टाइप का खर्चा या आपका क्या होता है? कॉस्ट बेटा। उसी तरह से भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब भी कोई कंपनी गुड्स बनाती है, गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय की सैलरी, लाइट बिल, रेंट, ऐसे अनगिनत खर्चे होते, ऑल आर कॉल्ड एज कॉस्ट। तो गुड्स को बनाने के लिए या कोई भी सर्विस देने के लिए बेटा मुझे बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इंस्पायर के बच्चों को पढ़ाते, इंस्पायर एकेडमी मैन्युफैक्चरिंग करती है या सर्विस दे रही है? सर्विस, ओके बेटा। जो कंपनी मोबाइल बनाती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंपनी पेन बनाती वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंपनी कार बनाती वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पर इंस्पायर एकेडमी सर्विस दे रही है, हॉस्पिटल सर्विस दे रहे, कैंटीन सर्विस दे रहे, होटल सर्विस दे रहे, थिएटर सर्विस दे रहे। ये जो भी लोग सर्विस दे रहे, सर्विस देने के लिए जो खर्चा आएगा वो भी क्या है? कॉस्ट है। अगर बेटा इंस्पायर मुझे आपको पढ़ाना है, सर्विस देना है, मुझे क्लासरूम का रेंट पे करना पड़ेगा, ये मेरा कॉस्ट है। मुझे लाइट बिल पे करना पड़ेगा, ये मेरा कॉस्ट है। वाईफाई का पेमेंट करना पड़ेगा, ये मेरा कॉस्ट है। एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी पड़ेगी, ये मेरा कॉस्ट है। मतलब भाई साहब कोई भी गुड्स बनाने के लिए या कोई भी सर्विस देने के लिए जो खर्चा आते उन्हें क्या बोलते हम लोग? कॉस्ट बोलते। तो कॉस्ट इज एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज कॉस्ट। ओके सर, मैंने अभी तो बेटा एक्सपेंस लॉस एसेट को हाथ लगाने सब पे बताऊंगा, सब पे आऊंगा बेटा। यार मैं दो एग्जांपल दूंगा। एक बेटा डेप्रिसिएशन, एक बच्चों एग्जांपल है डेप्रिसिएशन, कोई नाम सुना बेटा आपने? और दूसरा बच्चों एग्जांपल है सैलरी, ठीक है? अब सुनो बेटा, आपका नाम खुशी, खुशी ना आपका नाम? खुशी, ओके बेटा खुशी सुन बेटा, मुझे आपसे क्लास की फीस देनी है, मुझे आपके पास से, ठीक है खुशी? आप मुझे आपसे क्लास की फीस देनी है, राइट ना? तो मैं बोलता बेटा देख सुन बेटा, मुझे कुछ खर्चे मुझे आ रहे, मुझे वो खर्चों पैसा मुझे आपके पास से चाहिए, ठीक है? मैं कुछ खर्चों के नाम लूंगा। मैं बोलता बेटा मुझे ना अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, तो सैलरी का 1000 रुपए मैं आपके पास से लूंगा, आप दोगे? अरे देंगे ना, हाँ बोला, फीस देंगे नालायक तू, तो तुझे ऐसे 1000 रुपए नहीं लूंगा रे, फीस में लूंगा ना मैं तेरे पास से, समझा क्या? मतलब ये जो खर्चे है ना मैं किस फॉर्म लूंगा? फीस के फॉर्म से, कॉम्बिनेशन नहीं बोल रहा डर, ओके हाँ बोलने का, ठीक है ना? हाँ ओके। अब सुनो बेटा, तो ये जो सैलरी का जो पैसा मैं अपने पास से लूंगा, फीस में लूंगा, हाँ बोलने का, देने का, ठीक है ना? अब सुनो बेटा, आप इस बेंच पे बैठे हो, तो कल जाके मैं आपको बोलता हूं बेटा आप बेंच पे बैठते हो,
ये बेंच यूज करने से इस बेंच का क्या आता है, वेयर एंड टेयर होता है, बेंच थोड़े खराब होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये बेंच को हर साल कुछ बेटा बेंच पे डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, अब मैं आपको कल आके बोलता हूं बेटा मुझे इस बेंच के डेप्रिसिएशन के 500 रुपए चाहिए, आप दोगे? नहीं दोगे? मास्टर की बात करना, कुछ चलेगा आवाज नहीं रही। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा, मतलब मुझे फी डिसाइड करनी, मैं बात क्या कर रहा बता क्या बेटा, मुझे आपकी फी डिसाइड करनी, मैं क्या बात कर रहा हूं, फी के कैलकुलेशन में क्या क्या बात है पकड़ू, उसकी बात कर रहा हूं। मुझे फी डिसाइड करते हो, सैलरी का पैसा फीस में ले सकता हूं क्या, या बिकॉज वो जो स्टाफ बेचारा सर्विस दे रहा है बेटा आपको, राइट ना, क्या डेप्रिसिएशन का पैसा मैं फीस में ले सकता हूं क्या? क्यों नहीं बेटा, ले सकता हूं, यस बेटा, अब मेरी एसेट है, मेरे साथ ही रहेगी। ओके, तो आपको बेंचेस नहीं मिलेंगे, इसके लिए आप नहीं दोगे पैसा, ठीक है। तो कल बेटा एक काम करे, कल तू क्लास में जब आएगी ना, मैं ऐसे सब बेंच निकालू तो बोलू नीचे बैठ के पढ़ तू नालायक, चलेगा? तो सर्विस देने का जो एसेट उसका पैसा हम ले सकते हैं। अब बेटा बोलू क्या, अब यहां पे बेटा एक पॉइंट बता रहा हूं, जो ऑनलाइन लाइक के बच्चे बेटा आप भी जॉब दे सकते हो, नालायक आप भी जॉब दे सकते हो, आप भी जॉब दे सकते हो, नालायक आप भी जॉब दे सकते हो, ऐसे नहीं किया मतलब जो फेस टू फेस जॉब देंगे, सब जितने बच्चे आप ऑनलाइन लाइन में सबको जॉब देने का। मैंने सवाल क्या पूछा, क्या मुझे बच्चों से सैलरी का पैसा लेना चाहिए क्या? जॉब मुझे मिला, हाँ। मैंने सवाल पूछा क्या बच्चों से मुझे डिप्रेशन पैसा लेना चाहिए क्या? कुछ ने बोला हाँ, कुछ ने बोला ना। अब बेटा पॉइंट समझना मुझे, इसमें बताना क्या था, सैलरी, क्या मुझे सैलरी के लिए स्टाफ को पैसा देना पड़ेगा? क्या सैलरी के लिए मेरे जेब से पैसा जा रहा है क्या? क्या सैलरी कॉस्ट है? क्या सैलरी मेरा कॉस्ट है क्या? ये एक्सपेंडिचर, यस, सैलरी के लिए जेब से पैसा जा रहा है क्या? हाँ। जब मैं बोलता इस साल बेंच का डेप्रिसिएशन 1000 रुपीज है, मैं जब बोलता इस साल बेंच का डेप्रिसिएशन 1000 रुपीज है, क्या मैं 1000 रुपए किसी को दे रहा हूं? मैं जब बोलता हूं बेंच पे 1000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, तो क्या मैं 1000 रुपए किसी को दे रहा हूं क्या? ये मैं 1000 रुपए किसी से ले रहा हूं क्या? बात समझ में आ रही क्या? डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, उससे बेंच की कीमत कम हो रही है, बट उसके लिए पैसा किसी को दे रहा हूं क्या? मैं किसी पैसा ले रहा हूं क्या? तो डेप्रिसिएशन क्या है, कैश या नॉन कैश? नॉन कैश। डेप्रिसिएशन के लिए ना पैसा देना पड़ रहा है ना पैसा मुझे मिल रहा है। मेरा सवाल है डेप्रिसिएशन कॉस्ट है या नहीं है? सब जो जॉब देंगे, फेस टू फेस वाले, ऑनलाइन वाले, सब जॉब देंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है या फिर नहीं है? नहीं है कॉस्ट। क्यों? नॉन कैश है मेरे भाई, कॉस्ट है। कॉस्टिंग ये बोलता बेटा जी, आप कॉस्ट के दो टाइप होते, एक होता है कैश कॉस्ट, सेकंड बेटा क्या होता है, नॉन कैश कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट जिनके लिए पैसा देना पड़ेगा, ऐसे कॉस्ट जिनके लिए पैसा देना पड़ेगा वो भी कॉस्ट है, और जिनके लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा वो भी क्या है, कॉस्ट है। तो सैलरी, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, सैलरी भी क्या है, कॉस्ट है। और बेटा जी डेप्रिसिएशन, जिसके लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा वो भी क्या है, कॉस्ट है। तो क्या ना इसे कॉस्ट विल बी आइदर कैश और नॉन कैश, इट कैन बी आइदर कैश और नॉन कैश, ये दोनों भी हो सकता है बेटा जी, पक्का। अब ये कैसे मैं सब बताऊंगा बच्चों, मैं कल प्रॉपर प्रूव करके बताऊंगा व्हाई डेप्रिसिएशन, मैं सब बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। अभी बच्चों देखो, मैं बस बेसिक बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। फिर मुझे बताओ रेंट, क्लासरूम का रेंट, इज इट कॉस्ट, कैश या नॉन कैश? कैश, पक्का। फिर मुझे बताओ उसके बाद नोट्स कॉस्ट, जो नोट्स का पैसा पे कर रहा हूं, नोट्स का उसका कॉस्ट है कि नहीं है, कैश या नॉन कैश? नोट्स पैसा देना पड़ेगा मुझे, पक्का, वेरी गुड, ठीक है। तो नोट्स मेरा बेटा कौन है, नॉन कैश, सॉरी कैश वाला कॉस्ट है जी। पा बेटा जी, तो मैंने अभी सबसे पहले आज क्या बताया, व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोड्यूस गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विस। दोबारा, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोड्यूस
गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विस, इन सबके लिए जो खर्चा आता है वो कौन है, कॉस्ट है. कॉस्ट कैन बी आइदर कैश और नॉन कैश. जीपा बेटा जी ठीक है. अब मैं चाहता हूं कि अब एक काम करते बच्चों, आज मेरे ही प्रति आज थोड़ा सा लेट हो गया, शुरू भी लेट किया था बेटा जी, तो लक्ष्य वैसे टाइम तो ऐसे एक घंटा भी नहीं हुआ लेकिन जल्दी छोड़ना पड़ रहा मेरे को, तो कल से बेटा अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, चलेगा बेटा. तो आज बेटा मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा आज बच्चों, मैंने सिर्फ सिलेबस बताया बच्चों. मेन तो बच्चों कल पढ़ेंगे, कल भयंकर मजा आएगा बच्चों. मैं कल आपको ना ये कॉस ए वर्ड मैं आपको आधा घंटा पढ़ाऊंगा, आपको आपको पता चलेगा ये शब्द दिखने में कितना छोटा है बट कितना इसके बारे में डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, कल पता चलेगा बेटा. जो बहुत भयंकर मजा आएगा बेटा आपको, ठीक है. तो बाकी के लिए कल मिलेंगे फॉर इस सब्जेक्ट के, लेकिन 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 हम वापस मिलने वाले, आज हम एफएम के वापस मिलने वाले, ठीक है. चलो टाटा बाय बाय. चलो बाकी ऑनलाइन लाइव वाले जो पढ़ा सबको समझा क्या आज का पार्ट, वैसे ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं था आज मैंने वैसे भी, राइट ना. बाकी तो कल ही पढ़ने वाले, बस जितना मैंने बताया उतना समझा के ना लगेगा आप लोगों को, बाकी अपन पार्ट कल पढ़ेंगे. चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना.